बनता है। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज है टोटल बॉडी वेट लॉस और स्नायु दर्द के साथ में पूरे बॉडी को हल्का फुल्का बनाने के लिए आज हम पार्ट वन एक्सरसाइज करेंगे। ये दो पार्ट में है, पहले हम आपको पार्ट वन करके दिखाएंगे, फिर हम आपको पार्ट टू करके दिखाएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए पहले हम क्रॉस में हो जाएंगे, फिर पहले हम अपने दोनों पांव को सीधा कर लेंगे इस तरह से। दोनों पांव सीधे हो गए, फिर हमारे हाथों को आगे की ओर सीधा करना है। अपने मुट्ठी को खुली करके रखना है, मुट्ठी बंद करके नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद दोनों पांव सीधे हो गए, दोनों हाथ सीधे हो गए, दोनों की स्थिति एक जैसी ही रहनी चाहिए। फिर हमारे बॉडी को पहले लेफ्ट साइड पीछे की ओर खींचेंगे और अपने मुंह को भी पीछे की ओर खींचेंगे। जब हम हमारी बॉडी को लेफ्ट साइड पीछे की ओर खींचते हैं तो हमारा मुंह, हमारा हाथ और हमारा पांव तीनों पीछे की ओर होना चाहिए इस तरह से। अब जितना हो सके उतना इस परिस्थिति में रुकना है। फिर साइड चेंज दूसरी ओर, यानी कि राइट साइड। जैसे हमने लेफ्ट साइड किया था वैसे ही हम राइट साइड करेंगे। अपना हाथ, अपना पेट और अपना मुंह पीछे की ओर रखेंगे और अपने पूरे बॉडी को पीछे की ओर खींचेंगे। तो ये है हमारी राइट साइड। फिर धीरे से हम अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ नीचे और दोनों पांव सीधे। ये एक्सरसाइज हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे पूरे बॉडी को एकदम हल्का फुल्का बना देता है और हमारा वेट लॉस भी हो सकता है। योग का एक रूल होता है कि आप खाना खाने के 4 घंटे बाद ही योग कर सकते हैं, इससे पहले आप योग नहीं कर सकते। लेकिन ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अगर आपने खाना खा लिया हो या नहीं भी खाया हो तो भी आप एनी टाइम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर हम अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम हमारे दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, ये भी अपने बॉडी को हल्का फुल्का बनाने के लिए ही ये एक्सरसाइज है। इसमें दोनों पांव सीधे रहेंगे, फिर अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस करना है इस तरह से। चलो कर लिया। फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर सांस लेते लेते उठाना है, फिर अपने हाथों को लॉक करना है और अपनी सांस छोड़ते छोड़ते अपने दोनों हाथों से अपने पांव को टच करना है। कम से कम 1 मिनट तक तो आपको इस स्थिति में रहना ही है। फिर धीरे से हम अपनी मूल स्थिति में वापस आते जाएंगे। जैसे जैसे हम योग करते जाएंगे वैसे ही हम अपनी मूल स्थिति में वापस आते जाएंगे। अब साइड चेंज, पहले हमने राइट लेग का उपयोग किया था, अब हम लेफ्ट लेग का उपयोग करेंगे। दोनों हाथों पर सांस लेनी है, हाथों को लॉक करना है और धीरे से बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है, हाथों को पैरों को छूना है। फिर वापस हम अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे, रिलैक्स। ये भी आसन आप अगर खाना खाया हो या ना खाया हो तो भी ये कर सकते हैं। ये आसन हमारे लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हमारा बॉडी तो हल्का फुल्का होता ही है, हमारी एनर्जी यानी तंदुरुस्ती बढ़ती है, हर रोज हमें ये आसन करना चाहिए। अगर सुबह में आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फिर रिलैक्स हो जाना है, जितना कर सके उतना ही करना है। धीरे से हम अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। तो देखा स्टूडेंट्स कितना इजी था ना दोनों पार्ट। मैं आशा रखती हूँ आप हर रोज ये एक्सरसाइज करेंगे, अपना मम्मा पापा के सामने एक्सरसाइज करना है।
बाबू और प्रिंसिपल वर्मा सर के मार्गदर्शन के अनुसार मैं ये दोनों एक्सरसाइज आप तक पहुंचाएंगे। आप रोज योगा करना, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।